वो एक दफ़ा जिस पॉइंट पे आ जाती हैं वो उससे कम या ज़्यादा नहीं होती जनरल मीनिंग तो ये है बट व्हेन वी जनरली स्टडी द मार्केट तो हम ये देखते हैं कि कीमतों को जिस टाइम उनमें इंक्रीज़ आ रही होती है तो तो वो पॉसिबल है कि वो इनक्रीज़ हो रही हैं और वो बड़ी जल्दी से फॉलो की जाती हैं अगर एक शख्स प्राइस को इंक्रीज़ कर रहा है और दूसरा बढ़ा रहा है तीसरा बढ़ा रहा है तो ये वाला प्रोसीजर तो फ़ौरन हम अडोप्ट कर रहे होते हैं जो हमारे मार्केट में एंटरप्रनोर या प्रोड्यूसर हैं डिफरेंट सेलर हैं बट वेन एवर देयर इज़ अ डिक्रीज इन द प्राइस तो हमारी प्राइसिस स्टिक हो जाती हैं मेन वो वहाँ से मूव नहीं करती तो इस बिहेवियर के तहत अगर हम देखें तो ये स्टिक की प्राइसिस का जो फिनिना है ये कहाँ पे प्रिवेल करता है वेन वी से दैट देयर आर सर्टन फर्म्स इन द मार्केट प्रिवेल कर रही हैं और वो मोनापोलिस्ट नहीं है बट दे आर कुलसिव कल है मेन देर आर सम फॉर्म्स जो आलमोस्ट एक दूसरे के साथ गठजोड़ कर लेती हैं या एक दूसरे को फॉलो कर रही हैं और देर आर सम फॉर्म्स जो एक दूसरे की कंपेटिटर्स भी हो सकती हैं और उनका प्रोडक्ट भी तकरीबा एक जैसा हो सकता है इफ़ इट इज लाइक दिस तो हम देखते हैं कि वो मोस्टली उस प्राइस मैकेज़म को फॉलो कर रही होती हैं जहाँ पर वो सभी एक इस सेटअप में है कि एक ही जैसी प्राइसिंग के तौर पे चल रही हो क्यों अब ये वो स्टिकी का कांसेप्ट हमें एक्सप्लेन यहाँ पे करता है कि जिसमें हम कहते हैं कि फर्म्स तो जो मोस्टली जो हैं वो हम कहें कि एन अदर पॉसिबल मीन फर्म्स जो हैं क्लूजन कर लें और एक ही प्राइस तय कर लें तो एक तो ये सेटअप हो सकता है और वो ये होगा कि तमाम की तमाम जब भी ऑफर करें वो एक ही प्राइस करें मीन अगर वो इनक्रीज़ करें तो एक ही जैसी हो अगर वो कहीं डिक्रीज करें तो एक ही जैसी हो तो इस फॉर्म में अगर वो चलेंगी तो हम कह सकते हैं कि वो पूरी मार्केट को लाइक मोनोपोलिस्ट कंट्रोल कर लें लेकिन इससे जो थोड़ी सी डेविएशन है वो इस सेंस में हो जाती है कई दफ़ा कि जो फर्म्स हैं वो आपस में कोलिजन नहीं करें कोई एग्रीमेंट नहीं करें कोई अनसीन माहदा ना करें और वो एक दूसरे को लेकिन एज ए लिमिटेड मोनोपोलिस्ट तो नहीं हम कह सकते कंपेटेटर के तौर पे भी देख रही हूँ लेकिन फॉलो भी कर रही हूँ तो अब यहाँ पर यह होगा कि कौन सी फर्म फॉलो करेगी कौन सी नहीं कोई लीडर भी हो सकता है बड़ी फर्म को छोटी फर्म्स फॉलो करेंगी या वो इकट्ठी हो जाए तो देअ कैन बी द वेरियस सेटअप अब इस सेटअप को अगर हम देखें तो देन वी कैन सी कि हमारा जो इन फर्म्स का डिमांड कर्व है वो किस फॉर्म में आएगा तो जिस तरह हम मोनापोलिस्ट का कहते हैं कि वो स्ट्रेट डाउनवर्ड फॉलिंग कर्व होता है जिसको हम अगली अपनी एक डायग्राम में भी शो करेंगे तो यहाँ पे इन फर्म्स के बिहेवियर से हम एक किंकड डिमेंड कर्व देते हैं और आप उसको देखेंगे तो बुक्स में वो आपको पॉल स्वीजी ने बेस्ट एक्सप्लेन किया हुआ होगा कि फर्म्स का डिमेंड कर्व जब वो इस तरीके के बिहेवियर को ले कर चल रही होंगी तो वो किंकड होगा मीन उसमें कहीं ना कहीं खम आएगा थोड़ा सा टेढ़ा होगा वो स्ट्रेटली डाउनफॉल नहीं हो रहा होगा अब वजह वो जो किंगने की रीज़न है वो है प्राइस का स्टिकी होना अब रीज़न दैट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि अगर एक फॉर्म प्राइस को इंक्रीज करती है तो वो इस फॉर्म में इंक्रीज करती है कि बिकॉज आई विल सेल इन द मार्केट और ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्राइस मल्टीप्लाई बाय द क्वांटिटी सप्लाई उसको रेवेन्यू बढ़ जाएगा लेकिन अगर उसको कहीं पे ये ख़दशा हो और जो कि मोस्टली फॉर्म्स जो है इसको मद्देनज़र रखती हैं मीन अगर वो ये देखे कि अदर फॉर्म्स हु आर नियरली कम्पीटिंग टू मार्केट इन द सेम लेवल ऑफ द प्रोडक्ट उसी नेचर के प्रोडक्ट में और वो उसको फॉलो ना करें तो क्या होगा कि वो प्राइस कम के ऊपर मार्केट को कवर कर लेंगी और ये जो इनक्रीज़ इन प्राइस की वजह से एक्सपेक्टेशन रखी हुई है इस फॉर्म ने कि इट विल हैव मोर रेवेन्यू और इट मे हैव द मोर प्रॉफिट उसकी बजाय ये लॉस में चला जाए तो वो अपनी प्राइस को इनक्रीज़ करते हुए बहुत दफ़ा अपनी स्ट्रेटजीज़ फिर देखेगा कि आइधर फिर वो नेशक्ल्यूब्रियम या हम उस की क्वेश्चन में कि वो चेक करेगा कि दूसरे का रिस्पॉन्स क्या होगा या नहीं होगा मैं अगर स्ट्रैटेजी ए बनाऊँ तो बाकी फर्म्स कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी अगर मैं स्ट्रैटेजी बी बनाऊँ तो वो क्या रिस्पॉन्ड करेंगी एंड इफ़ इट विल बी द रिस्पॉन्सिंग स्ट्रैटेजी तो हाउ आई हैव टू गिव दैम द काउंटर अफेक्ट लेकिन अब अगर यहीं पे वो कहता है कि ओके नाउ द एंटरप्रेन्योर हैव टू कैप्चर द मोर मार्केट और वो उसमें कहे कि एक फिर ये वे हो सकता है कि मैं अपनी प्राइस को एज़ कंपेयर टू द अदर काउंटर पार्ट जो कंपीटिंग फर्म्स हैं उनसे थोड़ा सा कम कर दो तो डेफिनेटली देर विल बी द टेंडेंसी इन द कंज्यूमर्स कि वो कम कीमत को देखते हुए ज्यादा नंबर के कंज्यूमर्स मेरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे लेकिन अब फिर अगेन यही है कि अगर बाकी फर्म्स ने भी इसी तरीके से फॉलो कर लिया तो क्या सिचुएशन होगी और अगर वो फर्म्स फॉलो नहीं करती तो ये ना हो कि ड्यू टू द डिक्रीज इन द प्राइस जो एक्सपेक्टेड आउटपुट की एक्सपेक्टेड रेवेन्यू uh, uh, की एक्सपेक्टेशन लेके ये फर्म जो है मूव कर रही है उसके रेवेन्यू में बजाय इन्हांस होने के और कमी हो जाए तो ये दोनों पॉलिसीज़ को देखते हुए जो हमारे पास किक डिमेंड कर्व की कर्फ अगर हम शेप को देखते हैं अगर हम वहाँ पे देखें तो डिक्रीज जो प्राइस में है वो उसको फर्म उसको मुख्त्य फॉर्म में जब रंज्यूम करती है अब अगर हम यहाँ देखें तो ये एक फर्म का ये उसका डिमांड कर्व है और उससे रिलेटेड अगर दूसरी फॉर्म मार्केट में मौजूद हैं अगर हम उनका देखें तो ये उनका डिमांड कर्व है और इन दोनों के इंटरसेक्शन से चूंकि वो क्लूसिव फॉर्म्स हैं तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो इस प्राइस को तय कर लें और सारे मिल के उसके ऊपर काम करें लेकिन अगर वो उससे डेविएट करे और वो एक अपना जो उसका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो यहाँ पे उसका मौजूद है और इस मार्जिनल रेवेन्यू कर्व के ऊपर दिस इज़ द पार्ट और the point जहां पे उसका मार्जिनल कॉस्ट कर्व को वो इंटरसेक्ट कर रहा है और ये इसी फॉर्म में अगर हम देखें तो ये जो दूसरी फॉर्म है उसका मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है अब ये वाला जो गैप को अगर हम देखें तो नेचुरली अगर इसी फॉर्म में देखें तो इसको इस फॉर्म में यहां तक आना चाहिए था बट ड्यू टू द डिक्रीज इन द प्राइस की फॉर्म में अगर देखें तो वो बजाय इस पाथ को फॉलो करने कि वो उसे डेविएट करके इस फॉर्म में यहाँ तक होता है एंड लाइकवाइज इस तरीके से उसका मार्जिनल रेवेन्यू डिक्लाइन कर जाता है तो अगर हम देखें तो इस नेचुरल जो एक मोनोपोलिस्ट के फॉर्म में आना चाहिए था या और वो क्लिसिव फॉर्म अगर इकट्ठे आपस में इकट्ठा करके एज ए मोनोपोलिस्ट चलती तो भी कर सकती थी लेकिन अगर नहीं तो अब उसका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है वो किक की फॉर्म में होके उसने में एक यहाँ डेंट पड़ा कम हुआ और अब वो इस फॉर्म में यहाँ तक आ गया और यहाँ पे ये जो प्राइस स्ट्रेटजीज हैं हमारे पास वो स्टिकी प्राइस की वजह से हमारे पास मूव करती हैं क्योंकि यहाँ पे उसको फॉर्म को ये असेस करना पड़ता है कि आइदर इंक्रीज़ इन द प्राइस की फॉर्म में बाकी फॉर्म्स उसको फॉलो करेंगी या नहीं करेंगी और अगर वो प्राइस को डिक्रीज़ करता है तो क्या आइदर अदर फॉर्म्स उसको फॉलो करती हैं या नहीं करती थैंक यू